नविदा, मैं बोल रही हूँ। बे, तुम्हारी अम्मी की तबीयत सख्त खराब है, बुखार चार दिन से नहीं टूट रहा। मंसूर अंकल भी इस्लामाबाद गए, बिल्कुल नीम घसीट आ रही है, तुम फौरन आ जाओ। रानी आंटी, आप तो जानती हैं मैं कितनी मुश्किल में हूँ। वो शहूद, ये क्या तुमने मैं लगा रखी है? जी शहूद की रट भी पकड़ ली, कभी तुम्हें ऐसे माँ दोबारा मिलेगी? शहूद की माँ नहीं है ना, इसलिए उसे रिजेक्ट करके बैठा हुआ। तुमने इतने आसानी से उसे छोड़ दिया? उसने तुम्हारी खातिर जवानी की बेब की काट ली और तुम उसे सजा दे रही हो? ना भाई, ना। शुक्र है मैंने नहीं शादी की और ना तुम जैसे कोई मेरी औलाद भी हुई। रानी आंटी, आप नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अम्मी बहुत याद आती है मुझे, मेरा इतना जी चाहता कि मैं आऊं, मैं नवीद से मिलूं, मैं उसे प्यार करूं, उसे छूने का जी चाहता है, मगर छोड़ो ये सब बातें, अब फौरन आ जाओ। अच्छा आंटी, मैं आ रही हूं। अच्छा, ओके। नासरा, नासरा, विदा आ रही है, विदा आ रही है। मानो, मानो, बेटा, देखो पापा आ गए। मानो, मानो कहाँ है? नीचे गई है क्या? फिर कहाँ है? अम्मी की तरफ। मैं अम्मी से मिलने गई थी। क्यों? खैरियत? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मैं डॉक्टर को लेके गई थी। वो उनके शौर्य नामदार और उनकी सहेली साहिबा, वो कहाँ हैं? मंसूर अंकल इस्लामाबाद गए हैं और रानी आंटी ड्राइव नहीं कर सकती। वैसे भी वो मेरी माँ हैं और बीमार हैं, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। माँ के यहाँ से आने के बाद बहुत ज्यादा जबानें चल रही आपकी। बाय द वे, आप किससे पूछ के गई थी? अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की तो जरूरत नहीं है। ओके, ओके। आप मेरी बेटी को किसकी इजाजत से लेके गई थी? शहूद, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? बेटी भी आपकी, माँ भी आपकी और अकल भी आपकी, हर चीज आप ही की दोस्त है। मेरी हैसियत क्या है इस घर के अंदर? शहूद प्लीज, बच्चों जैसी बातें ना करें। ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो ओवरनाइट टूट जाए। जी, ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो टूट जाए। एक बात गौर से सुने मेरी, दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है मियां बीवी का। तीन लम्हों में टूट जाता है, ये इतना कमजोर होता है। शहूद, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। इंसान जब कहीं रिश्ता जोड़ता है तो किसी एक फर्द से रिश्ता नहीं जोड़ता, पूरे खानदान से रिश्ता जोड़ता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जिल्लतों में भी उनका साथ देने लगे। देखिए, आपको अपनी जिंदगी से गर्ज होनी चाहिए। आप नहीं मिलना चाहते तो ना मिले, मगर उनको तो मेरी जरूरत है और मुझे हमेशा उनकी जरूरत होगी। आप ये मत भूलिए कि वो मेरी माँ है। एक ऐसी औरत जो बुढ़ापे में शादियां करे और फिर औलाद पैदा करके दुनिया के आगे तमाशा बने, उससे मेरी बीवी का या मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। शहूद, आप मेरी माँ की इंसल्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है तो लगे। तुम्हारी माँ एक खुदगर्ज औरत है जिसने हम सबको एक जहन्नम में धकेल दिया है। तुम जानो और तुम्हारी माँ। मानो, बैठो बेटा, चलो बैठा, बैठी हुई वहां पे।
बेटे ऐसे मत डांटो, घबरा रही है बहुत। आप बीच में मत बोलें, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। और एक बात कान खोल कर सुन लें, बहुत डिस्टर्ब कर दिया आपने मेरी लाइफ को, अब मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। शहूद, शहूद बेटे प्लीज बात सुनो। शहूद हेलो जी अम्मी। हाँ बेटे वो शहूद आया था, बहुत गुस्से में था, मानू को बुरी तरह डांटते हुए ले गए। बस बेटे मुझे बहुत फिक्र हो रही, मानू बहुत घबराई हुई थी जी, यहाँ से भी बड़ा चीख पुकार के गए थे। प्लीज मुझे बता देना जैसे खैरियत से पहुंच जाए तो। अम्मी उन्होंने आपसे तो कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं मुझसे उसने कुछ नहीं कहा, तुम फिक्र ना करो। डोंट वरी बेटे, मुझे कुछ नहीं कहा उसने। ओके बाजी, नहीं खैरियत तो है, वो बस ये पूछ रहा था कि शहूद और मानो तो आपकी तरफ नहीं आए। अच्छा नहीं असल में मैं घर में नहीं थी इसलिए। हाँ ओके। नहीं परवेज भाई अभी तक नहीं लौटे। नहीं जब इसीलिए तो आपको फोन किया था। हाँ सोदिया तुम्हारी तरफ नहीं आए? ये मैंने कहा ऐसी दोबारा चेक। देखो मैं सब लंबी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। हाँ अम्मी। नहीं अम्मी अभी तक कोई फोन नहीं आया। नहीं अम्मी अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो इना वो गुस्से में बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी, मुझे खुदा ही खैर करे। अब हौसला तो कर रही हूँ बट अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आ जाए, प्लीज अम्मी आप लोग सब आ जाए प्लीज। इधर बेटा हौसला करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ कैसे हौसला करे, पूरे 3 दिन हो गए उन्हें गायब हुए। अम्मी अम्मी मुझे मानो बहुत याद आ रही है। अम्मी अम्मी वो ठीक तो होगी ना? हाँ मेरे बच्चा वो ठीक होगी, तुम फिक्र मत करो। हेलो हेलो शहूद आप खैरियत तो है? मानो कहे मानो कैसी है? नवीदा जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनो, मैं अपनी बेटी को इस सारे खुराफात से अलग रखना चाहता था, इसीलिए उसको लेकर लंदन आ गया हूँ। मैं नहीं चाहता इस कसम के खुराफात में मेरी बच्ची और मैं हिस्सेदार बने। मैंने तुमको बहुत समझाया लेकिन तुम भी मजबूर हो और मैं भी, तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती लेकिन मैं तो तुमको छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं झूठ प्लीज मुझ पे रहम करें। नहीं प्लीज ऐसा ना कीजिए शहूद, मैं बिल्कुल दूर हूँ। बीच में मत बोलो, मेरी बात गौर से सुनो, मेरा टेलीफोन किसी वक्त भी कट सकता है और मेरा राबता आज के बाद मेरा या मेरी बेटी का तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं। शहूद प्लीज ऐसा ना करें, शहूद प्लीज मुझ पे रहम करें, मैं टूट जाऊंगी। प्लीज मेरी मानो से बात कराए। नहीं शहूद मेरी मानो से बात कराए शहूद। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था वो बताओ ना प्लीज, क्या कह रहा था? अम्मी अम्मी वो मानो को लंदन ले गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अम्मी अम्मी
नासरा तुम तो अपने आप को संभालो। नासरा अगर तुम ऐसे करोगे तो विदा को कौन संभालेगा? वक्त शहूद कितना जहरीला निकला। विदा को सजा देने में उसने अपने मासूम बच्चे की माँ भी छीन ली। मंसूर मंसूर देखो इसे क्या हो रहा है, बेहोश होते जा रही है। विदा बेटा देखो प्लीज। विदा मंसूर इसके हाथ पे ठंडे हो रहे, प्लीज देखो इसमें क्या हो गया। ये शहूद इतना बेवकूफ निकला। एक मिनट में डॉक्टर को ले जा। रानी रानी इसके हाथ पे ठंडे हो रहे, देखो प्लीज क्या हो गया। मानो बिल्ली, मानो बेटा, आप मुझे यहां क्यों लाई है? आप ही तो है मेरी खुशियों की कातिल, अपना घर बसाकर मेरा उजाड़ दिया। कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। मंसूर अंकल आए, सब कुछ खराब हो गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा अम्मी, अम्मी मेरा तो सब कुछ लूट गया। आपके पास तो है ना आपका बच्चा, मैंने तो मानो को 3 दिन से प्यार नहीं किया। मम्मी, मैं तो बेकसूर थी, मुझे किस चीज की सजा दी आपने? मम्मी, आप और आपका बच्चा मेरे दुश्मन है, दुश्मन है मेरे, जिंदगी बर्बाद करती। निविदा बेटा हौसला करो, अपनी माँ को ऐसे नहीं कहते बेटा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे फायदा नंबर एक, एक पार्ट टाइम कुक। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने दफ्तर में जाके कार्ड तकसीम करूं कि आइए मेरी सास की शादी है? मुझे तो आप बिल्कुल अकेली नहीं नजर आती। फायदा नंबर दो, एक ऐसा ड्राइवर जो हर वक्त कहीं भी जाने को तैयार हो। एक माशरा होता है जिसमें हमें रहना होता है सुकून और इज्जत के साथ। आपको तो अपना अकेलापन दूर करना था, ये तन्हाई एक मजमे में बदल जाएगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। नंबर तीन, एक ऐसा एंटरटेनर जो मुफ्त में काम करे और वक्त बेवक्त आपको हंसाता रहे। मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूँ, ये नहीं कि मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हो कि मुबारक हो आपके सास के यहाँ मुन्ना हुआ है। मैं तो बेकसूर थी, मुझे किस चीज की सजा दी आपने? नंबर चार, एक ऐसा साथी जो तन्हाई और बुढ़ापे में आपका साथ दे बशर्ते के जिंदा रहे। तुम्हारी माँ इंतहाई बेवकूफ और खुदगर्ज औरत है जिसने हम सबको एक जहन्नम में धकेल दिया है। आपका बच्चा मेरे दुश्मन है। बर्बाद हो गए। Oh,
नासिका, मैम, नासिका, मैं भी बात तो करूं मुझसे, नासिका प्लीज, मंसूर जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें से किसी को फेस नहीं कर सकती बस। ठीक कह रही हो, हरकत तो तुमने ऐसी ही की है। हम में से किसी का ख्याल नहीं आया ना तुम्हें, बहुत खुदगर्ज। हाँ, खुदगर्ज तो हूं मैं, अपनी खुशियों के लिए अपनी बच्ची की खुशियां बर्बाद कर दी मैंने। जैसी खुदगर्ज माँ को जीने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं सजा देना चाहती थी अपने आप को, मगर मुझे किसने बचाया, क्यों बचाया मुझे? अगर बचाया तो तुम अल्लाह के बंदों नहीं है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई मर नहीं सकता। लेकिन एक अफसोस है मुझे, तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया। मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है, मेरा भी तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम ही तो हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले। क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने की? कितना समझाया था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने, तुम नहीं समझे इस सोसाइटी को, इसके उसूलों को, मेरी बात को, किसी चीज को नहीं समझे तुम। मैं वो औरत हूं जिसने 30 वर्ष की उम्र में बेवकी और बेचार की देखी, लेकिन शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को इज्जत और सुकून से पालना चाहती थी, उसको एक बाइज्जत मुस्तकबिल देना चाहती थी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद ही छीन लिया। क्या जरूरत थी मुझे इस उम्र में अपनी ही नजरों से गिराने की? देखो, मैंने जो कुछ किया इखलाकन मजहबन कानूनन ठीक किया, और रही बात नजरों से गिरने की, तो तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो तुम किसी की नजरों से गिर जाओ। मेरी जिंदगी यूं मेरे हाथों से निकल जाएगी, मैं इतनी बेबस हो जाऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बच्ची मेरी वजह से बेऔलाद हो गई, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकती। मैं विदा के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। कह डालो ना सर, जो कहना है कह डालो, हल्का कर लो दिल को, लेकिन सारे दौर एक जैसे नहीं रहते, जो आज है वो कल शायद ना। कोई नहीं मानेगा तुम्हारी दलीलें, कोई नहीं मानता, जो सबको सही लगे वही ठीक है। ठहरे हुए पानी में कंकर मारने का नतीजा देख लिया ना तुमने, मानो मेरी प्यारी बच्ची, कितना मिस करती होगी अपनी माँ को, मुझे याद करती होगी, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों में से किसी की तकलीफ भी नहीं देख सकती। अब बस मुझे तनह छोड़ दो प्लीज, मुझे तनह छोड़ दो। Simply hopeless. चले जाओ तुम यहां से, मुझे तना छोड़ दो, चले जाओ तुम यहां से प्लीज, तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से। नहीं देख सकती, किसी को नहीं देख सकती, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, किसी से मिलना नहीं चाहती। नासिर, मुझसे तो तुम नाराज, वीदा से शर्मिंदा, मगर इसका क्या कसूर? क्या इससे भी नहीं मिलोगी?